हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं आगे करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में भी आ चुके हैं। एनसीईआरटी में आ चुके हैं इससे मतलब है कि सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए इन क्वेश्चन पर आगे फोकस करते हैं और इन पर इनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। अगर पी इफ यानी देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो पी टर्म रहेगा वो कितना है, क्यू है, एंड क्यू टर्म इज पी, और क्यू वाला जो टर्म रहेगा वो कितना है, पी है। तो प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा nth टर्म बनेगा वो पी प्लस क्यू माइनस एन होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2008 एंड 17 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो मतलब ये दो बार पूछा जा चुका है, नहीं रिपीटेड क्वेश्चन भी हो चुका है। तो इससे आगे प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आगे वाले इयर्स में ये क्वेश्चन आने वाला हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इसमें निकालना एक ही चीज है जो हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, जो हमको दिया रहता है, गिवन दैट रहता है, गिवन में रहता है, वही हम उसका ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास पी टर्म यानी ए ऑफ पी क्या दिया हुआ है, क्यू, एंड ए ऑफ क्यू दिया है हमारे पास पी। तो हमारे पास जो दिया हुआ रहता है हम उसी का फॉर्मूला खोल देते हैं। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरा हमारा बनेगा ए ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखिए इन फॉर्मूलों को, इन फॉर्मूलों में से हमें ये है कि हम इसमें से इसको करना है, क्योंकि ये दोनों टर्म एक जैसे दिख रहे हैं तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चूंकि ए और सॉरी क्यू और पी तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही रहेंगे, कोई वैल्यू दी है जगह हमने क्यों रख दिया होगा इस क्वेश्चन में। तो हम इसमें से इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस वन एंड टू, वन एंड टू इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू, ए से एक सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं, ए ऑफ पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इन टू डी, और ए ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ के जो साइन होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए ऑफ पी माइनस ए ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाला टर्म बचेगा तो हम यहाँ पर डी कॉमन था तो कॉमन ही ले लेंगे। ये बचेगा पी माइनस वन और माइनस में इसको खोल देंगे अंदर की तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये बच रहा है हमारे पास, चूंकि ए ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास ये क्यू थी और यहाँ ए ऑफ क्यू की वैल्यू पी थी तो हम इस पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी इज इक्वल टू डी पी माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का बने यहाँ प्लस का बनता तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू डी पी माइनस क्यू, ये क्यू माइनस पी है और ये पी माइनस क्यू। हम यहाँ से चाहे तो यहाँ इन दोनों में से किसी से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेम टर्म बच जाएंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं माइनस, ये बचेगा पी माइनस क्यू, माइनस में यहाँ रहेगा डी, ये भी बन जाएगा पी माइनस क्यू। ये दोनों टर्म सेम थे तो हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास डी इज इक्वल टू माइनस वन ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशंस में रख देंगे, यानी फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास ए ऑफ पी ए ऑफ क्यू की वैल्यू एक के बाद एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा बी पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ए ऑफ पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन।
डी की जगह हमने माइनस वन वैल्यू पुट कर दी ए ऑफ पी। ए ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है ए ऑफ पी, क्योंकि गिवन था ये हमारे लिए। तो ये आ जाएगा ए प्लस, ये बनेगा हमारे पास ए प्लस यानी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस वन माइनस के पी। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास डी की वैल्यू है। अब हम कोई भी nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम निकालेंगे nth टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है ए एन, ए की वैल्यू हमारे पास है क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन थी। ये आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हम एन में करेंगे तो ये हमारा माइनस में एन हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है ये प्लस का है तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास जो ए ऑफ एन यानी एन की वैल्यू है यानी एंथ टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस एन, जो कि हमें प्रूव करके बताना था कि इसका एंथ टर्म यही होगा या नहीं होगा। तो पी प्लस क्यू माइनस एन या क्यू प्लस पी माइनस एन एक ही बात रहेगी, इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आना था, यानी प्रूव हो चुका है ये चीज़, यानी ये हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 और 17 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी इस ईयर भी आने की। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप इसको एक बार जरूर इसको ट्राई करें करने का, ठीक है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड ए बी एंड सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी आर इन ए पी। इसमें हमें कुछ नहीं फाइंड आउट करना, ए बी सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और हमको क्या दिया हुआ है कि ये जो एक सीरीज दी हुई है इस टाइप से, ये आपको बना हुआ है ये सीरीज, ये सीक्वेंस, ये आपके लिए बोला गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमें ए पी मानना हो, सबसे पहले हमें इसका कॉमन डिफरेंस जो है डी मानना होगा। लेट बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू डी। ये हम इसमें लिखेंगे लाइन को, ओके हम लिखा नहीं दिखा रहे क्योंकि स्पेस कम है और इसमें वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में। तो हम आपको सीधा बता दे रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म यानी ए इज इक्वल टू ए ही दिया है एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये डी हमारा क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा, जो कि कॉमन डिफरेंस मैं सी डी लिख दे रहा हूँ, सी कॉमा डी इज इक्वल टू डी ही रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस डी है। हमें पता नहीं है ना कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, तो कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसमें फर्स्ट टर्म, हमने आपको जब फर्स्ट टर्म शुरू किया था तो हमने आपको एक इसका सीक्वेंस खोलना बताया हुआ था कि ये एपी बनते कैसे है। यानी फर्स्ट टर्म हमारा रहता है ए, सेकेंड टर्म रहता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म रहता है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म रहता है ए प्लस थ्री डी। इस टाइप से जो है हमारा सीरीज यानी एपी बनती है और आगे भी कुछ इसी तरीके से बनती हुई चली जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस जो हमारे पास दी हुई है इस ये एपी, इसकी इस एपी से कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयर कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो एपी दी हुई है, इस एपी को हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि जो हमारे पास दी हुई एपी थी वो है ए 7 B 23 सी। ये हमारे पास एपी दी हुई है। इसका सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है तो हम करेंगे सेकेंड टर्म के साथ कंपेयरिंग और फोर्थ टर्म के साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो लिख देंगे वी कंपेयरिंग द एपी ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड और फोर्थ टर्म के साथ हम कंपेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास ए प्लस डी की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 7 एंड ए प्लस 3D की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 23। यहाँ से हम ए या डी की कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
फोर्थ टर्म को इसको खोलने का एक और तरीका भी हमने आपको बताया था। पहले हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं या डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 माइनस ए, ए और डी की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू इसमें रख देंगे हम, एंड इसको लिख देंगे ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 3 यहाँ से भी बच रहा है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 23। या तो ऐसा कर लीजिए या इसमें ही वैल्यू इसकी डी पुट कर देते हैं, तो इसमें ही कर देंगे वैल्यू पुट। ए प्लस 3 7 माइनस ए इज इक्वल टू 23। तो इससे हमारे पास ए ही एक ही वेरिएबल बचा है, ए जो हमें अननोन है, अननोन अननोन डिजिट बना हुआ है, अननोन नंबर जो कि हमें पता नहीं है, तो इससे फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा ए प्लस 21 माइनस 3 ए इज इक्वल टू 23। ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 2 ए। 21 उस साइड चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू -1। ये हमारा पास फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट टर्म हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ए और डी दोनों की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो नाउ 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 पुटिंग द वैल्यू ए इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 इन इक्वेशन 1। तो डी इज इक्वल टू 7 माइनस ए की वैल्यू -1 है तो हो जाएगी डी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। डी इज इक्वल टू 8 आ गया। इससे हमारी एपी आराम से निकल सकती है क्योंकि ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे और इन सारे इक्वेशन इस सारे टर्म्स को कंपेयरिंग करेंगे तो ए की तो वैल्यू हमारे पास तुरंत ही मिल गई है। नाउ ए इज इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म हमारे पास है 7, इसमें से हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ए प्लस डी से ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू प्लस के 8 है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगी। थर्ड टर्म हमारे पास था ए प्लस 2d, इससे वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू -1, 2 इंटू डी की वैल्यू 8, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 to the 16, 16 माइनस 1 हो जाएगा तो बचेंगे 15। यहाँ से आपके पास 15 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका वैल्यू का आंसर आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट है, इसकी तो वैल्यू हमारे पास है कि इसकी पास है ही आपके पास, तो हम आपके पास सीधा बता देते हैं ए प्लस 4d। ए प्लस 3d की वैल्यू आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे निकली हुई वैल्यू है, मैंने आपको 2-3 निकाल के बता दी है। इस तरीके से -1 प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगी, ये बनेगा -1 और ये हो जाएगा 32, यानी बनेगी 31। तो हमारे पास ऑल ओवर सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास -1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 15, सी की वैल्यू हमारे पास है 31। ए बी और सी तीनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।